उठे नहीं है, सोए हुए हैं, ये देख सकते हो। तो भाई जैसे कि हमने नो एंट्री पार कर ली और बाघ डोगरा वाली जो स्टैंप है फॉरेस्ट की वो लगवा ली, तो अभी स्लिम कर रहा। तो भाई अभी हम पहुंच चुके अररिया में और ये रहा पूर्णिया वाला रोड, बड़ा बढ़िया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है ना निकला हुआ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो भाई हम रात को रुके थे यहीं पे होटल पे, इस होटल पे। तो अभी सुबह सुबह उठे हैं 3 बजे, अभी उठ के अब निकलने लगे हैं यहाँ से। तो चलो कोई नहीं, करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग गाइस यहाँ से। तो भाई अभी यहाँ पे टाटा गैरेज था और टाटा गैरेज से मिला यूरिया 2 बाल्टी, 1 बाल्टी वो लेके जा रहा है और एक ले रहा। सुबह सुबह डाल दिया भाई यूरिया प्रताप मोटर से, ले लिए 1 बाल्टी रख दिया अंदर, ये देख दूसरा डाल दिए। चलो भाई चलते हैं, यूरिया की टेंशन होगी खत्म। उठे नहीं है, सोए हुए हैं, ये देख सकते हो। हो रही है अपनी गाड़ी, तो भाई अभी हमको जो है वो स्टैंप तो लग गई, लेकिन आपको थोड़ा खींच के जाना पड़ेगा क्योंकि आगे सिलीगुड़ी में बाद में नौकरी लग जाएगा तो गाड़ी पार नहीं हो पाएगा, तो इसलिए खींच के जाना पड़ेगा। और हमने भी भाई मीटर भगा दिया आगे की तरफ, पूरे 6 बजे बंदा बाहर रेड खोला उसने बंदे ने भाई, मतलब बंगाल में रूल है। तो भाई आ चुके हम सिलीगुड़ी में और जाम देखो भाई, इधर से जाने वाली गाड़ी का जाम नहीं है, आने वाली गाड़ी का जाम है। इधर की जाने वाली तो बहुत, मतलब हमारे पीछे भी कोई 2-3 गाड़ी ही है। और भाई नो एंट्री नहीं लगनी चाहिए, बोल रहे थे बंदे के 8-8:30 लगती है, अगर 8 बजे लगती है फिर तो टेंशन नहीं है, अगर 7 बजे लगती है तो टेंशन भाई है क्योंकि 6-7 बजने वाले हैं। देखते हैं अब क्या होता है। भाई हम आ चुके हैं अभी सिलीगुड़ी में और एंटर हो चुके हैं नो एंट्री एरिए में, है ना। तो भाई यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना, बल्कि 10 किलोमीटर ही है, 10-11 किलोमीटर है नो एंट्री वाला एरिया बस। भाई अभी थोड़ा खींच के अभी भी चल रहे थे, थोड़ा जल्दी पार हो जाए। तो अभी टाइम तो है लगभग मेरे हिसाब से 8 बजे तक है, तो 8 बजे के बाद ही नौकरी लगता है, 8 बजे लगता है, तो कोई मसला नहीं, तब तक हमारा भी पार हो जाएगा भाई। वहाँ पे स्टैंप लगा के तो भाई निकल जाएंगे सीधे ही, चलो दिन बच जाएगा, नहीं तो पूरा दिन यहाँ पे रुकना पड़ता हमको पीछे फुलवाड़ी में। तो फिर रात को 10 बजे नो एंट्री खुलती तो फिर जाके निकलती गाड़ी। तो भाई जैसे कि हमने नो एंट्री पार कर ली और बाघ डोगरा वाली जो स्टैंप है फॉरेस्ट की वो लगवा ली, तो अभी स्लिम कर रहा शीशों को, कपड़ा मार रहा भाई, तो गंदे हुए थे। तो भाई चलते हैं अब आगे, नो एंट्री वगैरह भी पार होगी तो अब टेंशन नहीं है। ट्रैफिक भी अभी इस चक्कर जाने के टाइम में इधर से जो जाम है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो जो उधर से गाड़ी आने वाली है वो अभी रुक जाएगी, क्योंकि उनको पता कि आप नो एंट्री लागी सिलीगुड़ी में वो पार नहीं हो गई। चलो ये भी अच्छी बात है। तो चलो भाई चलते हैं आगे, तो जाके आगे पहले कहीं चाय पीते हैं, चाय पी के तो फिर उसके बाद निकलते जाएंगे। भाई हो गए बिहार में एंटर, बंगाल हो गया बाहर, तो चलते हैं भाई आगे। आज ना लाइनर भी डालना है लेदर, क्योंकि आगे वाले फ्रंट वाले चक्कू हैं और सबसे लास्ट वाले चक्कू हैं ना, तो ब्रेक भी गाड़ी में कम लग रही है, तो अभी पता नहीं ऊपर से वो टूल ना लगवाना पड़े ड्रम को, मेरे को जहाँ तक लग रहा है।
सुबह सुबह भाई खाते हैं बिरयानी पहला नंबर। वो गाड़ी रखी इधर, टायर वगैरह चेक किए, और तो भाई खाते हैं सबसे पहले बिरयानी। बिरयानी खा के भाई साहब आ गए, सलीम भी आ गया। बिरयानी खानी है तो मैंने सुना था तू नहीं खाएगा यार। ये आ गई भाई हमारी बिरयानी। गाने बंद कर लिए कर खाना खाने के टाइम में। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अररिया में, और ये रहा पूर्णिया वाला रोड बड़ा बढ़िया। यार ब्लूम फट गया चाय पीने के लिए, और भाई ये मेरा ब्लूम जो है इसका फट गया। अब टायर भी उठा के रखना भाई। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है ना निकला हुआ, ये यहाँ से फट गया है। तो चलो कोई नहीं, आगे जाके कोई देखते हैं मिस्त्री तो डलवाते हैं भाई, और लेदर भी डालने थे वो भी करेंगे। तो भाई चाय हमारी आ चुकी है मस्त चाय, इसमें पीने का मज़ा ही कुछ हो रहा है यार, है ना। इसमें मतलब ऐसा लगता है कि टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो भाई ऊपर से 3 बज चुके हैं, लेकिन हमें मिस्त्री के पास कोई 2-3 मिस्त्री मिले भाई, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अभी आगे देखते हैं कहीं, और मेन चीज़ फैन जो है भाई वो है बलून जो फटा हुआ है हमारी गाड़ी का, वो डलवाना है। और उसके बाद जो लेदर भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि लेदरों के बिना ना बाद में ड्रम में लग जाए, फिर उसको टूल लगाना पड़ेगा। देखते हैं अभी, कुछ मेरे को लग रहा है 1-2 को लगाना ही पड़ेगा। अब देखते ही जाके खोलेगा तो सही पता चलेगा कि हाँ भाई लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलो कोई मसला नहीं भाई, चल रहे हैं अभी, देखते हैं आगे जाके। हाँ मुजफ्फरपुर में ही मिलेगा भाई, और कहीं नहीं मिलेगा। 3 बज चुके हैं, लेकिन 4 बजे तक देखते हैं कोई मिस्त्री मानता या नहीं मानता भाई, नहीं तो फिर जाएंगे आस्ता आस्ता आगे, देखेंगे फिर कल बस्ती में जाके गोरखपुर पार करके। तो भाई लेदर गाड़ी के ख़त्म थे और लेदर डालने लगे, और साथ में ना वो बलून जो फट गया था वो नया डालने लगे।
ये आ गया भाई अपना न्यू वाला बैलून, वार्निंग डू नॉट असेंबली। खींच लो। जैसे कि भाई अपना ब्लूम हो गया पूरी तरह से फिट, ये देख सकते हो भाई। अभी बाकी हो रहे अपने शूज लाइनर। चलो भाई काम हमारा हो गया और सब कुछ हो गया भाई, तो हम निकलते हैं, करते हैं शुरुआत। हमने तो डाल दिया भाई बलून वगैरह, सब कुछ हो गया। आप ओके रिपोर्ट। तो चलो भाई खाना पीना अपना हो गया। सामने पंजाबी होटल है और एक होटल इधर था ना ये वाला। चलो खाना पीना हो गया अपना, हम निकलते हैं आराम से। बंदा हमारा बैठ गया भाई खाना पीना खा के। ओ और कुछ भूख लगी थी बंदे को, लगी थी भूख क्योंकि काम किया ना बहुत, इसकी वजह से ना बंदे को लगी थी भूख। चलो भाई चलते हैं, हम भी करते हैं गाड़ी स्टार्ट। आज तो भाई मोटा खर्चा हो गया हमारा, क्योंकि काम जो करवाया ना तगड़ा मोटा खर्चा हो गया। तो चलो अब जाके 150 किलोमीटर बचा यूपी, तो अब जाके यूपी में इंटर करके सोएंगे भाई उधर ही। तो भाई निकलते हैं, धुंध देखो कितनी पड़ी हुई है अभी से ही, बिहार में ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा भाई। और अभी 10 बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे में 8 मिनट कम है, तो तुम देख लो भाई इधर से स्टार्ट हो गया अभी से ही, अभी रात बाकी। लेकिन बाकी एक चीज़ है कि बाकी इतनी अभी ठंड तो है नहीं है ना, लेकिन ये धुंध क्यों पड़ रही है भाई इतनी अभी, तो मतलब इधर तो नहीं पड़नी चाहिए। चलो भाई कोई मुश्किल नहीं। धुंध देख सकते हो आप, धुंध कैसे हो रही है ना। अभी हम आ चुके हैं पिपरा कोठी में और ये रास्ता सीधा ऊपर से चला गया मोती हरी आगे, और इधर से नेपाल भी जाता है यही। यहाँ से हमको घूमना लेफ्ट और जाना गोपालगंज के खड्डे। तो भाई रात के बज चुके एक और हम आ चुके हैं यूपी के अंदर, और भाई तुम देख लो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना ऐसे ऐसे ज़्यादा ज़्यादा आ रही है, बीच में बिल्कुल साफ हो जाती है और बीच में आ जाती है। अभी देखना थोड़ा आगे तक जाने दो, और देखना खांसी भी लग रही है यार, खांसी ने थोड़ा दिमाग खराब कर दिया यार।
का टोल। तो अभी भाई जहाँ पे हमने स्टैंप लगवानी है वो रह गया 25 किलोमीटर। तो आगे पंप आएगा जहाँ पे हम पहले भी रुकते हैं और वहाँ से तेल वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पे रुकेंगे। तो सुबह वो मोर लगेगी सुबह 8 बजे के बाद, 8 बजे से पहले टीपी थी क्योंकि यूपी की बनेगी टीपी, तो टीपी बनेगी तो उसके लिए हमको फिर रुकना पड़ेगा और करते हैं वहाँ पर जाके पंप लगा के, तो करेंगे आराम सो जाएंगे। तो फिर सुबह जो है सुबह देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। चलो भाई पहुँच के पंप लगा दी गाड़ी हमने पार्किंग में और अभी हम करेंगे आराम। ओए वो टायर पीछे वाला ठोक। टायर को दब बड़ी लगी हुई है यार इसको। तो चलो भाई करते हैं ब्लॉग को भी यहीं पे एंड। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।